नमस्ते ब्रजेश छारी वीडियो, आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा भाई इस गाड़ी के अंदर ओनरशिप रिव्यू। मुझे इस गाड़ी को 3 महीने को ऑन करते करते हो गए, और इस गाड़ी को मैंने क्यों ली और क्यों लेनी चाहिए आप लोगों, और ये गाड़ी माइलेज के लिए बेहतर है कि नहीं है। आज TVS का प्रोडक्ट है मेरे पास, और TVS का सक्सेस प्रोडक्ट था ये। मैं आपको बता दूं TVS का जो स्टार सिटी आई है ये 3rd जनरेशन है। मैं आपको बता दूं फर्स्ट जनरेशन गोल्ड लाइट में आती थी, आपको पता होना ये 3rd जनरेशन का फेसलिफ्ट है। इस गाड़ी के अंदर डिस्क ब्रेक भी आ गया। मैं आपको बता दूं इसके अंदर 13 इंची का डिस्क ब्रेक भी, 12 या 11 इंची का डिस्क ब्रेक होगा, सॉरी मुझे पता नहीं, आप लोग अगर पता हो तो नो डाउट कमेंट बताना। तो ये इसके अंदर सस्पेंशन वगैरह है, और सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं, रिवाइबल है, गड्ढे वगैरह में नॉर्मल काम करते हैं, ज़्यादा हाई उस पर तो काम करते नहीं है, गड्ढे वगैरह में ठीक है, ज़्यादा वो भी नहीं है। मैं आपको बता दूँ और पीछे की स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छी है, सीट भी काफ़ी अच्छी है, ड्राइवर और को ड्राइवर इसमें आराम से काफ़ी मतलब सेफ्टी से बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर ग्रैब हैंडल भी दिया गया पकड़ने वगैरह के लिए, और इंडिकेटर भी दिए गए हैं आप देख सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो इंडिकेटर होते हैं ना ये फ्लेक्सिबल नहीं है, नंबर प्लेट के लिए जगह, ये टेल लाइट इसकी, और ये आप गंदी देख रहे हैं ना, सॉरी हमारे यहाँ एक्चुअली पानी थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूँ, और गर्मियाँ पड़ रही हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा पड़ रही है वो इस वजह से, और लॉकडाउन चल रहा है। सबसे निवेदन आपसे बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन चल रहा है कि आप लोग अपने घर से ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, प्लीज़ पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, और मतलब डॉक्टर वगैरह पर विश्वास करें। नॉर्मली जैसे कई अफवाहें हो रही हैं, मतलब अपनी हॉस्पिटल वगैरह भी जाए अपनी सुविधा से जाए। मैं आपको बता दूँ सबसे देखो विश्वास अब दुनिया कायम है, मैं आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा अपने पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी सहयोग करें, क्योंकि देखो वो भी इंसान है, देखो पुलिस प्रशासन भी एक इंसान है, मैं आपको बता दूं, तो सबका विश्वास करना पड़ता है। मैं आपको पुलिस प्रशासन सबसे ज़्यादा पुलिस प्रशासन का विश्वास कीजिए आप लोग, क्योंकि वो ही आपको एक तसल्ली दे सकते हैं, मैं आपको बता दूँ, और ज़रूरत हो ना तभी आप अपने घर से निकलें, अन्यथा घर से मत निकलें। प्लीज़ मैं आपसे तहे दिल से निवेदन करता हूँ, और प्लीज़ नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और आपका तहे दिल से थैंक यू चाहता हूँ कि आपने मुझे 600 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए, सो थैंक यू ऑल ऑल सो यू। ठीक है चलो अब बात करते हैं इस गाड़ी की और भी बातें, तो मुझे इस गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं लगी। हाँ बात करते हैं, मैंने इस गाड़ी 3 महीने कंटिन्यू हो गए मुझे यूज करते करते, और इस गाड़ी को मैंने 900 समथिंग हज़ार के समथिंग में चला चुका हूँ। एक्चुअली मेरी रनिंग कम है और लॉकडाउन में भी जाएगा कहाँ। हाँ अब बात करते हैं इसकी LED हेडलाइट। देखो LED इसकी जो हेडलाइट है ना मुझे काफ़ी प्रीमियम लगती है, मतलब आगे हेडलाइट वगैरह इसकी नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लेग गार्ड वगैरह इसका उसका मट गार्ड वगैरह टायर साइज वगैरह सब चीज़ें काफ़ी अच्छी, मैं आपको बता दूं। और हाँ बुलेट मैंने क्यों नहीं, वो सॉरी अपाचे मैंने क्यों नहीं ली, सॉरी बुलेट तो अगला सेगमेंट हो जाता है, अपाचे मैंने क्यों नहीं ली क्योंकि मैंने इसकी राइड करके देखी। देखो इसको मैंने टेस्ट ड्राइव लिया, अपाचे का भी टेस्ट ड्राइव है, हालांकि मेरे एक मित्र के पास अपाचे, मैंने उसको भी चला के देखी, उसको भी चला के देखी। देखो अब इंडिया में ना अपने MP के अंदर उतारा, अपने डबरासा डिस्ट्रिक्ट में ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पेट्रोल हो रहा है 100 रुपये प्रति लीटर, और ये माइलेज देती है मुझे 50 से 55 का, अभी सिटी में 50 से 55 का देती है, और हाईवे में एक बार गया था प्रेजेंट में ग्वालियर गया था अपने शहर, तो इसने मुझे 70 का माइलेज दिया। मैं आपको तो क्यों मैंने नाफा मैं आपको बताया, तो मैंने पेट्रोल लगाई 200 रुपये की, तो 200 रुपये के अंदर मैं घर पहुँच गया, घर पहुँचने के बाद मुझे पेट्रोल बच गई थी इसके अंदर, ये वैसे मैंने माइलेज नापा है। और इसके अंदर है ना जो इंजेक्टर होते हैं कार्बोरेटर कार के अंदर टू व्हीलर के अंदर नहीं है, आप देख सकते हैं इसके अंदर इंजेक्टर वाला सिस्टम है, ठीक है। और ये है ना जो इंजन है 110 cc का है, मैं आपको बता दूं, और 110 cc के अंदर काफ़ी प्यारा इंजन है, बहुत रिफाइंड इंजन है, पिकअप वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, इसका गियर बॉक्स भी काफ़ी प्यारा है, सिंगल हॉर्न आता है इसके अंदर, ये हॉर्न भी सिंगल ही मिलेगा आपको, और काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं, 3D एल्बम दिया गया है, और चेन सॉकेट आपका प्लास्टिक में दिया गया है, ये इसका फुटरेस्ट है, ये इसका हैंड वो है जो स्टैंड होता है वो है, मतलब मुझे नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कार टू व्हीलर के अंदर, ये मैंने लगाया था और काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी ये एक्चुअली नट ख़राब हो गया था, मैंने इसको ऐसे ही मोड़ दिया, ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, मैं आपको दिखा दूँ, देखो इसके अंदर वेलकम फंक्शन है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ जैसे होता है, ये वेलकम फंक्शन, इसके अंदर एक मोटर लगी हुई है वो भी अच्छा दिखता है, काफ़ी अच्छी सीट है इसके टू व्हीलर के अंदर, आप देख सकते हैं पीछे साथ, मुझे बहुत प्रीमियम टू व्हीलर लगती है भाई ये मोटरसाइकिल, काफ़ी अच्छी है। अपाचे मैंने इसीलिए नहीं ली भाई, इसके अंदर मुझे माइलेज चाहिए था, पिकअप भी अपाचे जैसा मिल गया मुझे, 180 cc का इंजन मिल गया, और इसके सेगमेंट में ना जो 100 cc की जो बाइक अभी प्रेजेंट में आ रही, जैसे कि स्प्लेंडर हो गई, अपनी आई स्मार्ट हो गई, ये चीज़ें 2-3 मोटरसाइकिल हैं जो इसके सेगमेंट में है,
जो इससे पीछे ही हैं। आप देख सकते हैं हीरो की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, नो डाउट इंडिया की मोस्ट सेलिंग बाइक है स्प्लेंडर। आप जानते हैं इंडिया नंबर वन का टैग उसे मिला पड़ा है, और जो टैग ले लेता है ना उसे फिर तो वो तो पॉपुलर हो ही जाता है। और काफ़ी जानते हैं आप लोग गाने वगैरह हम सब में यूज होती है स्प्लेंडर वाली, यही है। तो आपसे निवेदन करता हूँ, टू व्हीलर चलाते समय ना हेलमेट ज़रूर पहन के चलें, और कार चलाते हैं सीट बेल्ट ज़रूर पहन के चलें, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं भाई, प्लीज़। और निवेदन करता हूँ कि आप लोग घर में ही रहें, सेफ रहें, अच्छे रहें, और प्लीज़ एक चीज़ की और निवेदन करता हूँ, देखो अगर वीडियो अच्छी लगती है ना तो कमेंट करके बताना भाई इस वीडियो के अंदर मैं कहाँ पे गलती की है, और आप लोग गलतियाँ बताओगे ना तभी मैं गलतियाँ सुधार पाऊँगा, और बिना तो गलतियाँ नहीं सुधार पाऊँगा, समझ रहे हो। और लाइक तो अगर वीडियो पसंद है लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और दोस्तों से बोल देना भाई अपने ब्रजेश भाई का चैनल है सब्सक्राइब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही सब्सक्राइब बढ़ता है ना मुझे बड़ी खुशी होती है, इस वजह से वीडियो मैं नहीं बना पाया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली देखो लॉकडाउन लगा पड़ा है, और उसकी वजह से इंसान देखो घर से बाहर निकला नहीं है, हम लोग ही घर के अंदर ही हैं, राशन वगैरह जो ले लिया अपना और सबसे इकट्ठा लेके रख लिया भाई। और जो मजदूर जो वर्क के लोग हैं भाई उनके लिए मैं डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ उन्हें काम करने दीजिए, क्योंकि वो उसी के भरोसे हैं और अन्यथा किसी चीज़ के भरोसे नहीं है, समझ रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बताना भाई, और वीडियो देखना आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सेफ ड्राइव।